अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए ना, जान छोड़ रहे हैं, हंसिए ना। तो जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने का संदेश कठोर संदेश होगा, जो लोग नया नया शादी करेंगे, मोतीलाल भी करने वाला है, मोतीलाल कर तो भी हाँ ऐसे न्याता ना जरूर चल जी बाबू सुन ले, तीन को जन्माई है ना तो बिहार मत करिए। ठीक है सभी के धन्यवाद। आज का आंदोलन 72 घंटे का आंदोलन सबसे ज्यादा सफल अगर कहीं रहा तो डुमरी में रहा, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसीलिए 1932 नहीं चलेगा। जिस दिन आपके लोग न्यायालय में पहुंचेंगे, जिस दिन आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेंगे, 1932 नहीं, यदि 1800 का कोई कानून है उसे भी मान्य देना पड़ेगा। आप लॉजिकली एक बात को समझते हैं, लॉजिकली एक बात को समझते हैं, मान के चलिए यदि एक लकड़ी को 2 टुकड़ों में बदला जाता है, एक लकड़ी है उसे बराबर 2 टुकड़ों में बदला जाता है, तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा या दोनों का वजन बदल जाएगा या दोनों का गुण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग बिहार से अलग हुए हैं, यदि बिहार में 1932 है तो झारखंड में क्यों नहीं? लॉजिकली उसके बाद आप थोड़ा सा और एक पहलू है कि हम लोग जब दो भाई में जमीन का बंटवारा होता है, तो डिसमिल में बंटवारा होता है कि 10 डिसमिल तोर 10 डिसमिल हमार। खाता नंबर में बंटवारा होता है, प्लॉट नंबर में बंटवारा होता है, तो सिंपल प्लॉट 1932 है, लॉजिकली बात कीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग इस दलील को देते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, बिहार के एक जज ने हमको फोन किया था फरवरी महीना में 1 साल पहले, उन्होंने कि यदि कश्मीर से कन्याकुमारी एक होता, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश एक होता, और यदि टीचर का बहाली आता तो सबसे ज्यादा टीचर कौन बनता? केरल के लोग बनते हैं, बनते कि नहीं बनते? यानी जैसा राज वैसा नियम बनना चाहिए। एक किसान आंदोलन के नेता ने भी समर्थन करते हुए कहा कि यदि पुलिस की बहाली आती, अभी हमारे जितने पुलिस भाई हैं उनका हाइट नाप लीजिए, हम ये आपको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, हमारे ये जितने भाई हैं पुलिस में मैक्सिमम हाइट 5.6 फीट, क्या 5.6 फीट से ज्यादा कोई यहाँ है? नहीं है। लॉजिकली समझिएगा बात को, यदि ऑल ओवर इंडिया में पूरा इंडिया एक होता, अलग अलग राज्य नहीं बनता, अलग अलग कानून नहीं बनता, और पुलिस की अगर बहाली होती तो झारखंडी नौकरी मिलता, सब हरियाणा और पंजाब लोग दौड़ के लूट के ले जाता। लॉजिकली बात कीजिए ना, यहाँ जितने भाई हैं हमारे ही हैं, 5.5 फीट, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, हार्डली 180 सेंटीमीटर होंगे, नाप लीजिए सामने है, नाप लीजिए। इसलिए अलग अलग राज्य इसलिए बना है। अब मान के चलिए हरियाणा भी इंडिया में आता है, पंजाब भी इंडिया में आता है, वहां की हाइट लगभग 5.6 फीट होती है, सिक्किम भी इंडिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया में आता है, वहां के लोग हार्डली 4.5 फीट तक जाते हैं। आप आर्मी की फॉर्म भरते हैं, आर्मी का मैक्सिमम हाइट मांगा जाता है 169, गोरखा लोग के लिए अलग मांगा जाता है, यस कि नो? अरे भाई तो कानून की जानकारी रखते हैं, इसीलिए तो मुख्य सचिव डिबेट नहीं कर रहे हैं। यदि पूरा इंडिया को 169 सेंटीमीटर का हाइट देते हैं तो नेपाल बॉर्डर का आदमी आर्मी बन पाता? बन पाता भैया, सिंपल। तो ठीक उसी प्रकार हम यूपी बिहार के साथ कंपटीशन में नहीं बैठेंगे, इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय 1000 साल पहले है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1000 साल पहले से है, हमारे यहाँ पहला विश्वविद्यालय कब आया है? रांची विश्वविद्यालय, कैसे मुकाबला होगा आप ही बताइए? एजुकेशन को लेकर भी हम बिहार यूपी का मुकाबला कैसे करें? अरे बिहार रामधारी सिंह दिनकर की धरती, राष्ट्र कवि, बिहार रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि की धरती, मुंशी प्रेमचंद महान साहित्यकार उत्तर प्रदेश, झारखंड हमारा कहा है भाई? इस बात को लॉजिकली समझना होगा। अच्छा बाजा अभी बिहार में बुक है, कोई दिक्कत ना है। चलिए एसडीपीओ महोदय,
रात की सांस ले जाए बाजा भूखे, सर को भी न्योता दे दीजिएगा। दिन में नोक झोंक हुआ, रात को पार्टी में खा सकते हैं। यहाँ जितने भी पुलिस पदाधिकारी आए हैं और जो भी यात्री भी डिस्टर्ब हुए, उनसे भी क्षमा मांग लीजिएगा। क्षमा मांगने से हम लोग छोटा नहीं हो जाएंगे। हमारे कारण, हमारे आंदोलन कारण जितने भी यात्री डिस्टर्ब हुए, उनसे भी क्षमा मांगते हैं। और एसडीपीओ महोदय समेत जितने भी डुमरी अनुमंडल के पुलिस टीम है, उनको न्योता दे दीजिएगा, उनको रसगुल्ला वो बढ़ा के दीजिएगा। काफी मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं गर्मी में। अच्छा धन्यवाद, आप छोड़ दे रहे, देखिए मराठी से है दादा। अच्छा दादा, महाराष्ट्र मराठी का है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। यदि हम कहें कि महाराष्ट्र में पहला अधिकार मराठियों को है, तो दिक्कत नहीं ना? क्यों नहीं ना? देखिए मराठी मराठी मानस है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। गुजरात गुजराती का, महाराष्ट्र मराठी का, झारखंड झारखंडी का, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दादू महाराष्ट्र आए हैं, बोल रहे हैं महाराष्ट्र मराठी का, सही बात है। चलिए ठीक है, उम्मीद है, ठीक है, एकदम हम लोग दो मिनट नहीं लेंगे, एकदम आपको छोड़ देंगे। कि चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। और अपनी यदि हमने उठाया हथियार, तो इस धरती पर मृत्यु को अभिनंदन हो। जितने भी नया नया शादी कर रहे हैं, उनको कठोर संदेश, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे तीन और तीसरा हम लोग को दीजिए। उसको लेके अगर रांची का विधानसभा में पॉसिबल नहीं होगा, तो कसम में बिरसा मुंडा और निर्मल महतो के शहादत की झुमरा और फरासनाथ की पहाड़ में सरकार। तो ठीक है, सभी का धन्यवाद करते हैं, स्थानीय एसडीएम मैडम का भी करते हैं, क्या डीपीओ सर का भी करते हैं, हालांकि थोड़ा उनको गर्मी बढ़ा दी है, उसके लिए जमा जाएंगे और आप भी माफ कर देंगे, घर के ही हैं। जाने के बाद एफ आई आर नहीं गिरिएगा, पैसा वैसा नहीं हम लोग का। एसडीपीओ सर आपके लंबी उम्र की दुआ करते हैं और आप इससे भी ऊपर रैंक में जाए दुआ करते हैं। जितना भाई लोग आज लाठी है, उनके बाद बगल में दो गो सितारा है, दुआ करते हैं। दीदी लोग, आप लोग भी हवलदार से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डीएसपी तक जाए, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए ना, जान छोड़ रहे हैं, हंसिए ना। तो जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने का संदेश, कठोर संदेश होगा, जो लोग नया नया शादी करेंगे, मोतीलाल भी करने वाला है, मोतीदा करता हूँ भी, हाँ ऐसे न्याता ना जरूर चल जीवा बहुत सुन ले, तीन गो जन्मई है ना, तो बिहार मत करिए, ठीक है। सभी के धन्यवाद। आज का आंदोलन 72 घंटे का आंदोलन सबसे ज्यादा सफल अगर कहीं रहा तो डुमरी में रहा, ये इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। रोक 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 रोक, ए नाचे लग, हमें लिखे वो कोई खुद लिख, इतिहास डुमरी वाले खुद लिखेंगे, ठीक है। सबको जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।